आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के नए स्मार्टफोन जो जल्दी आने वाला है, सैमसंग M1 या सैमसंग M01 भी आप इसको बोल सकते हो। ये जो स्मार्टफोन है वो किस प्राइसिंग में आएगा और क्या होने वाले इसके स्पेसिफिकेशन, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अकॉर्डिंग टू लीक, सैमसंग जल्दी अपने एक बजट स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है जिसका नाम वो रखने वाला है एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के रूप में, जिसे वो कहता है सैमसंग M1। और ये जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी चीपेस्ट प्राइसिंग के ऊपर आने वाला है, या हम ये बोल सकते हैं ये अंडर 10K के आएगा। अगर इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है 5.7 इंच की फुल HD प्लस वाले डिस्प्ले। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है वो होने वाला है IPS पैनल के साथ में। इस बार सैमसंग आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं देने वाला क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको बजट रेंज के अंदर मिलने वाला है अंडर 10K, तो इस बार हो सकता है आपको IPS पैनल ही दिया जाए। अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो इसके बैक साइड के अंदर आपको डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलने वाला है। जो प्राइमरी कैमरा है वो होगा 13 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी कैमरा है वो होगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, और एक LED फ्लैश दिया जाएगा। और इसका जो सेटअप होगा वो वर्टिकल किया जाएगा। पीछे की ओर अगर और बात करें तो इसकी प्लास्टिक की बॉडी दी जाने वाली है जो कि पॉलीकार्बोनेट वाली होने वाली है, और इसके ऊपर कोई भी आपको कोटिंग नहीं मिलेगी और ये जो स्मच प्रूफ भी नहीं होगा। आगे की साइड में अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा दिया जाएगा विथ ड्यू ड्रॉप नोच के साथ में, और सेल्फी कैमरा जहाँ तक लीक्स है 5 मेगापिक्सल का हो सकता है। अगर हम इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार आपको इसके अंदर एक्जिनोस का प्रोसेसर नहीं दिया गया है। जो लीक कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो स्मार्टफोन है वो आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 439 प्रोसेसर के ऊपर, और इसके अंदर जो बैटरी लगा करके दी गई है वो है 4000 mAh की है। और ये चीज़ कन्फर्म है कि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो इसके अंदर आपको डुअल सिम विथ माइक्रो SD का ट्रिपल स्लॉट मिलने वाला है। इसके अंदर वाईफाई ब्लूटूथ का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके प्रोटेक्शन की तो जहाँ तक के फ्रंट साइड में आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिल सकता है, मगर बैक साइड में कोई भी प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं क्या आपको 2020 में इस तरह का स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। भले ही स्मार्टफोन आपको 8 से 9 हज़ार के अंदर मिल रहा है, मगर ये इस प्राइजिंग के अंदर भी जो ओवर प्राइजिंग में मानता हूँ, ये प्राइजिंग इसके लिए कम नहीं है क्योंकि ये जो स्पेसिफिकेशन दे रहा है, एक तो जो स्नैपड्रैगन का 439 ये काफ़ी वीक चिपसेट है, इसके अंदर आप ज़्यादा कुछ उपयोग कर भी नहीं सकते, ये कमज़ोर चिपसेट है। आज के टाइम के अंदर आपको 8 से 9 हज़ार के अंदर स्नैपड्रैगन के 665 जैसे प्रोसेसर भी मिल रहे हैं। अगर 1000 रुपये और डालोगे तो आपको जो वीवो का U20 जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 675 मिल रहा है, जो काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, वो मिल जाती है, तो ये जो स्मार्टफोन है वो लेने का कोई चांस नहीं बनता है। हाँ, अगर ये जो स्मार्टफोन है अगर सैमसंग इसको 5 से 6 हज़ार की रेंज में लॉन्च करता है एकदम एंट्री लेवल के ऊपर तो ये चल जाएगा, मगर 8-9 हज़ार के अंदर ये ओवर प्राइज होने वाला है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रख के इस स्मार्टफोन को खरीदना अगर खरीदने जा रहे हो, वरना आपको मार्केट के अंदर और भी ऑप्शन मिलते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो। तो आज के टाइम में स्नैपड्रैगन 439 वेस्ट ऑफ मनी है, ये मेरा इसके लिए ओपिनियन है। तो आप कोई और स्मार्टफोन की ओर देखना, अगर इसकी प्राइजिंग और कम रखी जाती है, 5 से 6 हज़ार रखी जाती है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो ये थे सैमसंग की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन की कुछ लीक्स, बाकी देखते हैं सैमसंग इसको किस प्राइजिंग के ऊपर इंडिया के अंदर लेकर के आता है। अगर आप और भी ऐसे टेक रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर देखना चाहते हो तो उसको सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बना रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।